अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, से वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, से आई एम फाइन। जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आप क्या कहेंगे? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी टीचर आपसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेटा, दिस इज़ योर उर्दू क्लास, टेक आउट योर उर्दू वर्ब बुक, ये आपकी उर्दू की वर्ब बुक है। सो जल्दी से अपनी उर्दू की वर्ब बुक ले लीजिए। हमें इसमें आज क्या करना है? उर्दू की वर्ब बुक में काम करना है, ठीक है? ट्रेसिंग करनी है अच्छे से। सो अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 7, पेज नंबर 5, सॉरी पेज नंबर 7 नहीं, पेज नंबर 5 ओपन करेंगे। बुक ओपन करने से पहले क्या पढ़ते हैं? याद है ना आप सबको, टीचर ने आपको बताया था जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सो चलिए मेरे साथ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। सो चलिए अपनी बुक ओपन कीजिए। ये रहा आपकी उर्दू की वर्ब बुक का पेज नंबर 5, यानी कि सफ़ा नंबर 5, ठीक है? हमने क्या करना है इस पर? मिलाएं और पेंसिल फेरें, यानी कि मैच करना है और क्या करना है? पेंसिल फेरनी है, ट्रेसिंग करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? मामा की हेल्प से डेट मेंशन करेंगे। आज क्या तारीख है मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ पढ़िए, 4 सितंबर 2020। ठीक है, क्या करना है आपने? आपको याद है ना बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बे पढ़ा था और उसकी आदि शक्ल के बारे में पढ़ा था, है ना? ये क्या है? बे की आदि शक्ल है, है ना? नज़र आ रही है ना आपको, ये क्या है? बे की आदि शक्ल। और इसके कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता, एक नुक्ता। हमें क्या करना है? ये जो हमारे पास पिक्चर्स दी हुई हैं, इन्हें हमें इससे मैच करना है कि ये कौन सी जो चीज़ें हैं, ये बे की आदि शक्ल से शुरू होती हैं या बे से शुरू होती हैं, ठीक है? सो देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, बाल्टी। क्या है ये? बाल्टी। बाल्टी जो है वो बे से शुरू होता है, बाल्टी का लफ्ज़ जी बे से शुरू होता है, बे से बाल्टी, बाल्टी। आपने क्या करना है? इसको बे के साथ मैच करना है, बे की आदि शक्ल के साथ बाल्टी को मैच करना है। पढ़िए और मैच कीजिए मेरे साथ, बेस बाल्टी, ब ब बाल्टी, ठीक है? और क्या है? बतख, बतख। आप देख रहे हैं ना टीचर, बतख का जब नाम ले रही हैं, उसको पढ़ रही हैं, तो उसका जो शुरू की आवाज़ आ रही है वो कैसी है? बतख, यानी कि ब है ना, तो हम क्या करेंगे इसको बे की आदि शक्ल से मैच कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है? और क्या है हमारे पास? अंगूर। अंगूर तो बे से शुरू नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? अंगूर को नहीं मिलाएंगे इस बे की आदि शक्ल के साथ। उसके बाद क्या है? बिल्ली, बिल्ली। बिल्ली की जो शुरू की आवाज़ है वो क्या है? बे की आदि शक्ल है, सही है ना? हम क्या करेंगे इसको बे की आदि शक्ल के साथ मिला देंगे, मैच कर देंगे। मैच करने के बाद, मिलाने के बाद आप क्या करेंगे? ये बे की आदि शक्ल को ट्रेस करें। आपने क्या करना है? इसको ट्रेस करना है, पेंसिल फेरनी अच्छी अच्छी सी प्यारी सी, ठीक है? आप क्या करेंगे? पेंसिल रखेंगे डॉट पर। आपको पता है ट्रेसिंग कैसे करनी है, टीचर ने आपको बता दिया था अच्छे से। इसके कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता। बे के नीचे एक नुक्ता। ठीक है, इस तरह से अपना अपना ये पेज कंप्लीट करना है। जो है बे की आदि शक्ल है, इनको तस्वीरों से मिलाना है और इसको ट्रेस करना है, पेंसिल पढ़नी है, ठीक है? जब आप अपना काम ख़त्म कर लेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बताइए जल्दी से क्या पढ़ेंगे? टीचर ने आपको बताया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना काम ख़त्म करने के बाद हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल का काम कर रहे हो तो उसी में आप अल्हम्दुलिल्लाह करें। आप कोई भी काम करें, जब वो हो जाए आपका, तो आपने उसके बाद क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बुक क्लोज करनी है और उसे बहुत ख्याल से अपने बैग में रखना है, बुक्स का भी ख्याल करना है, ठीक है? और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।